नीट पर सुप्रीम फटकार की बात है। जी हां, नीट की परीक्षा क्लीन नहीं है, यह साफ हो चुका है। केंद्र सरकार गड़बड़ी की बात मान चुकी है। गड़बड़ी है तो कार्रवाई क्या होगी? क्या रद्द करके फिर से परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी या फिर कोई और एक्शन लिया जाएगा? साफ नहीं हो पाया है अब तक। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा पर सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, अगर परीक्षा में 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो एक्शन सख्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जब 8 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेगा, जिसमें यह तय होगा कि परीक्षा फिर से होगी या नहीं, धांधली की सीबीआई जांच करेगी या फिर कुछ और सबका इंतजार। इस बीच ये हो रहा है, राजनीतिक बयानबाजी से कैसे एक दूसरे को पछाड़ा जाए। छात्रों को इंसाफ दिलाने की बात हो रही है, छात्रों के साथ राजनीतिक दल सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, क्या सालों साल मेहनत करके परीक्षा देने वाले छात्रों को इंसाफ मिलेगा? नीट के क्लीन होने का सवाल, सोशल मीडिया से सड़क तक दबाव। छात्रों की मेहनत को सुप्रीम सलाम, अब लीक माफिया का होगा काम तमाम। जब सरकार ने माना हुई गड़बड़ी, परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही? नीट की परीक्षा को नर्क बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कहा कि अगर 0.001% भी लापरवाही हुई है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी उस समय आई है जब देश भर में नीट में हुई धांधली को लेकर गुस्सा। छात्र सड़कों पर, मामले की नजाकत को देखते हुए सरकार यू टर्न ले चुकी है। ये मसला ऐसा है, मसला 24 लाख बच्चों के भविष्य का है, साथ ही साथ देश के स्वास्थ्य के भविष्य का है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। 8 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से तमाम सवालों पर जवाब मांग लिया है, और जब कोर्ट ने ये कहा कि बच्चों की मेहनत का उन्हें एहसास है, और ये भी कि अगर 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो इसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए, ये सरकार और एनटीए के लिए सख्त संदेश है। नीट से संबंधित तो जितनी याचिकाएं दाखिल की गई, सुप्रीम कोर्ट उन पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। इसमें परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने संबंधित याचिकाएं भी शामिल हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि हम बच्चों का दर्द समझ सकते हैं, एक एक दो दो साल लगाते हैं, वो किस तरीके से तैयारी करते हैं, तो कोर्ट ने कहा हम बिल्कुल समझ सकते हैं, अगर इसमें कुछ भी धांधली हुई हो तो एनटीए को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये स्टूडेंट वर्सेस एनटीए, एक एडवर्स प्रोसीडिंग्स ना देखी जाएं, बल्कि आप असिस्ट कीजिए कोर्ट को, और नेक्स्ट जुलाई 8 की तारीख लगा दी। और ये भी कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि इस पर पब्लिक हेल्थ का इम्पैक्ट, आप देखिए कैसे डॉक्टर्स आएंगे अगर वो चीटिंग करके आएंगे या फिर पेपर लीक करके आएंगे या करप्शन करके आएंगे। तो कोर्ट का आज काफ़ी साफ रवैया था कि जो जवाब दें उसको एफिडेविट फॉर्म में दें, रिप्लाई करें और कोई चीज़ छुपाए ना। एडमिटेड पोजीशन तो आ गई कि आपने ग्रेस मार्क दिए, जो कि जिसका कि कोई प्रावधान नहीं था आपने दिए, और उसके बाद अब बात आ गई जब जोर पकड़ रही है कि पेपर लीक हुआ है, तब आपने बिहार में कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया है। मीनिंग देयर बाय कि कहीं ना कहीं लीक तो हुआ है, झोल तो है इस सारे में, लीक हुआ है, और ये अथॉरिटीज भी अब अपने कंडक्ट से एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि इसमें फ्रॉड हुआ है पेपर लीक होने का। लीव असाइड जो जो ग्रेस मार्क की बात है, लेकिन पेपर लीक वाले में भी जो अगर एलिगेशन है और इस तरह से लोग अरेस्ट भी हुए हैं, तो डेफिनेटली बिना आग के धुआं नहीं उठता। जरूरी बात है, कुछ ना कुछ तो है इसमें। नीट में धांधली को लेकर छात्रों का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में छात्रों ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतरी।
नीट की तैयारी करने वाले छात्रों और अभिभावकों के साथ आम आदमी पार्टी के नेता दिखे। नीट संविधानी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर आज विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो अभिभावक हैं बच्चों के वो इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पर। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इकट्ठा हुए हैं सभी यहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों में जवाब मांग रहे हैं। एग्जाम को पूरी तरह से कैंसिल किया जाए क्योंकि और इसके तो साथ जनता तक आम आदमी पार्टी ये बात पहुंचा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान आप नेताओं के निशाने पर बीजेपी रही। पार्टी नेताओं ने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पेपर लीक होना आम बात है। नीट में हुई धांधली पर आप पार्टी छात्रों के साथ है और उनकी आवाज को मजबूती से उठाएगी। एनटीए ने जानबूझ के 4 जून को रिजल्ट प्रकाशित किया। मैं पूछना चाहता हूं, पहली जांच तो इसी बात की होनी चाहिए कि किस घोटाले को दबाने के लिए 14 जून की जगह 4 जून को रिजल्ट प्रकाशित किया गया, नंबर 1। और नंबर 2, मैं इस देश के नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, कब तक खामोश रहोगे आप? उठाओ, आगे बढ़ो और अपनी आवाज को बुलंद करो। देश की सड़क पे हमने आपकी आवाज बुलंद की है। सदन 24 तारीख से शुरू होने जा रहा है, 27 तारीख से राज्यसभा शुरू होगी। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं इस देश के उन परिवारों को जो दुखी हैं, इस देश के उन नौजवानों को जो दुखी है, जो परेशान है, जो पीड़ित है, देश की संसद में भी आपकी आवाज को आम आदमी पार्टी के सांसद पूरी बुलंदी के साथ उठाएंगे। आम आदमी पार्टी ने यह निर्णय लिया है, ये नेट एग्जाम के घोटाले की लड़ाई केवल छात्रों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल नौजवानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल गार्जियंस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश के भविष्य की लड़ाई है। और भविष्य में कोई भी एग्जाम होता है उस पेपर लीक से बचाने की लड़ाई है, क्योंकि अगर हर एग्जाम में पेपर लीक होगा तो रोजगार नौजवानों को कैसे मिलेगा, लोगों के भविष्य का क्या होगा। जो काम सरकार को करना है वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों करना पड़ रहा है? ये क्यों बार बार कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट करेगा? जांच कराना तो सरकार का काम है। जब केंद्र सरकार ने नहीं किया तो छात्रों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जब केंद्र सरकार भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रही थी तो लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा न्याय के लिए। तो हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार इसकी जांच कराए, स्वायत्त जांच कराए और इस जांच की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाए ताकि इसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट में धांधली का मुद्दा उठाया और पीएम नरेंद्र मोदी से पूरे मामले पर जवाब मांगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं। हमारे न्याय पत्र में पेपर लीक के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने की हमने गारंटी दी थी। विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए हम देश भर के युवाओं की आवाज सड़क से लेकर संसद तक मजबूती से उठाकर और सरकार पर दबाव डालकर ऐसी कठोर नीतियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नीट के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा और कहा कि उन्हें पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। He himself is admitting some गड़बड़ी हो गया। How can a minister say that? Then he is telling I will punish the officers. The moral responsibility is the political leadership, minister. There is no mechanism to conduct a real examination. How? Thousands of students are in a worrisome position. Their parents are crying. This government is least sensitivity. This government have a least sensitivity about the future of the students of this country. Look, we are going to raise it in the parliament. We will make it as a big issue, and our people are going to agitate it. We need a clear-cut answer from the government. They cannot run away from this issue. पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने भी नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, शर्मनाक है कि सरकार युवाओं को रोजगार के नाम पर
पुलिस भर्ती पेपर लीक या नीट एग्जाम स्कैम जैसा दंश दे रही। परिश्रमी नौजवानों के भविष्य का सवाल हल करने की जगह उत्तर प्रदेश सरकार ने हर परीक्षा के पहले उत्तर लीक होने वाला उत्तर प्रदेश बना दिया। युवाओं की उम्र व उम्मीद दोनों चूक रहे। विपक्ष के सवालों पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा, कांग्रेस या महागठबंधन का मामला नहीं है, सरकार इस पर बहुत सख्त है, कार्रवाई कर रही है, कठोर कानून बनाने जा रही है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नीट मामले में शामिल लोगों पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है। पेपर लीक होने से स्वाभाविक बात है कि जो गरीब है और मेरिटोरियस है उसका मेरिट और गरीब का जो होना चाहिए जस्टिस नहीं हुआ है। पैसे वाले लोग, पैरवी वाले लोग पैसा दे करके अपना पेपर लीक करवा करके पढ़ते रहे हैं, आगे बढ़ते रहे हैं। इसी बात को संज्ञान में लेकर के आप देख रहे हैं कि एजेंसी सेंट्रल एजेंसी है वो जांच कर रही है, सरकार ने उसको पूरा मदद करने की बात की है और सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए यहाँ तक के हुआ है कि ये कानून लाने जा रही है, कानून बनाने जा रही है कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्नपत्र लीक मामले में हैं सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इधर नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार में आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई जारी। जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे सामने आए जिनके आधार पर आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां भी होंगी। नीट 2024 परीक्षा धांधली मामले में जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब तक जो पता चला है उसके मुताबिक जो लीक प्रश्न पत्र है वो व्हाट्सएप के जरिए पटना भेजा गया और पटना के एक स्कूल में 35 से 40 विद्यार्थियों को बैठाकर उनको प्रश्न पत्र पूरी तरह से समझाया गया। खेम निचक के स्कूल में जब पुलिस की रेड पड़ी तो लोग फरार हो गए और वहां पर जो दस्तावेज थे उसको जला दिए। इस मामले में पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो पता लगाना चाहते हैं कि सबसे पहले यह प्रश्न पत्र कहाँ पर आया। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। खबर यह भी है कि एक गेस्ट हाउस में भी 35 से 40 बच्चों को बैठाकर इस प्रश्न पत्र को समझाया गया था। अब हम आपको बताते हैं कि 4 जून को जब आम चुनावों की मतगणना हो रही थी उसी दौरान जारी हुए नीट के रिजल्ट में अब तक क्या क्या हुआ। नीट का रिजल्ट आया तो 67 ऐसे छात्र थे जिन्हें 720 में से 720 अंक मिले थे। टॉपर्स की लिस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर नीट में धांधली का मुद्दा ट्रेंड करने लगा। सवाल उठने लगे कि 67 छात्रों को कैसे 720 नंबर आ गए, एक ही सेंटर पर एग्जाम देने वाले 6 छात्र कैसे टॉप कर गए, उसी सेंटर पर एग्जाम देने वाले 2 छात्रों को 719 और 718 अंक कैसे मिले। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, राज्यों के हाई कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल हुई, एनटीए पर गंभीर सवाल उठे और देश में छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ तो एनटीए सक्रिय हुआ। पहली बार ग्रेस मार्क्स की बात सामने आई। एनटीए ने बताया कि रिवाइज्ड के आंसर और लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए। एनटीए की सफाई के बाद छात्रों की नाराजगी और बढ़ी, नीट एग्जाम दोबारा कराने की मांग उठने लगी। कई राज्यों में प्रदर्शन हुए जिसमें छात्र संगठनों ने नीट अभ्यर्थियों का साथ दिया। 8 जून को एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने ग्रेस मार्क्स देने का खुलासा किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के क्लैट एग्जाम को लेकर दिए गए जजमेंट के आलोक में ग्रेस मार्क्स दिए गए। 14 जून को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान एनटीए ने 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने की बात बताई और कहा कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनका री एग्जाम कराएंगे। बिहार के बाद गुजरात के गोधरा में नीट एग्जाम में धांधली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। जांच के दौरान पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 2.30 करोड़ के चेक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की गई। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले की फिर सुनवाई की। इस दौरान धांधली के मामले में सीबीआई जांच की याचिका खारिज करने से इनकार किया। 8 जुलाई को मामले की सुनवाई की तारीख तय की। 14 जून को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए को क्लीन चिट दी और उसे विश्वसनीय संस्था बताया। 5 मई को नीट परीक्षा के दौरान बिहार में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिनमें से जानकारी के आधार पर जांच बढ़ी तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। नीट का पेपर लीक होने की आशंका जताई गई।
देश भर में नीट परीक्षा को लेकर आंदोलन हुए तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने बयान से पलट गए। माना कि नीट परीक्षा के दौरान गड़बड़ी हुई है, जो भी अधिकारी इसमें शामिल होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, एनटीए में सुधार की जरूरत है। 1563 छात्रों का री एग्जाम होगा, जिसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ। 23 जून को परीक्षा है, 30 जून को रिजल्ट आएगा। 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नीट पर फिर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो सख्त एक्शन होना चाहिए। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर रोज जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, उससे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए और केंद्र सरकार के साथ दांव पर हैं। सरकार ने गड़बड़ी की बात मानी है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। वहीं नीट का एग्जाम फिर से हो, इसकी मांग जोर पकड़ती जा रही है। इसका फैसला 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान सामने आएगा। साथ ही ये भी मांग उठ रही है कि देश में पेपर लीक को लेकर कड़ा कानून बने, जिससे पेपर लीक माफिया पर लगाम लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।